इस नियम के अनुसार अवगाद्रो का जो नियम है इसमें हमको ध्यान देना है। अवगाद्रो का नियम तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए दो गैसें हैं, ठीक, जैसे मान लेते हैं H2 है और Cl2 है, ये बनाएगा हमारा क्या HCl। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, दो से गुणा, ठीक। अगर दो से गुणा कर देते हैं तो इस केस में हमको एक चीज यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक है, ठीक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मात्रा बता रहा है, एक क्या बता रहा है, इसकी मात्रा कितना कितना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम अवगाद्रो का नियम पढ़ते हैं तो मात्रा का मतलब क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा हमारा मोल में, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको समझने के लिए हमको ध्यान देना कि अगर एक और एक दोनों जोड़ देंगे, एक और एक दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, दो, ठीक। तो एक मोल हाइड्रोजन एक मोल क्लोरीन मिला के कितना बनाया, दो मोल HCl। तो यहाँ पे दो बराबर दो हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे मोल का मान आपस में बराबर है कि नहीं है, है ना। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन के तौर पे। इसमें जो है एक चीज और ध्यान देना है, अगर आपको कोई थोड़ा सा मतलब मान के चलिए दूसरे तरीके से बात करे, रिएक्शन के तौर पे ना बात करके डायरेक्टली आपसे जो है गैस के नाम पर बात करे, तो ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आप चाहे ये क्या बोलते हैं नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, या फिर आप क्लोरीन गैस ले लेते हैं, या फिर आप कोई अन्य गैस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि चाहे आप इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको लीजिए, चाहे इसको, सब में जो होगा कण की संख्या जो होगी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी, आपस में बराबर होगी, ठीक है ना, बस यही। तो हम लोग जो है इसमें एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि मतलब ये सिस्टम जो है रिएक्शन पर भी अप्लाई हो सकता है और पर्टिकुलर किसी एक विशेष गैस पर भी अप्लाई हो सकता है, ठीक। तो चाहे दोनों में से किसी भी संदर्भ में अगर आपसे कोई रिएक्शन के संदर्भ में बात करेगा तो रिएक्शन में क्या करेंगे, अभिकारक का टोटल जोड़ लेंगे, अभिकारक का टोटल जोड़ लेंगे, फिर जो है उत्पाद की मात्रा देख लेंगे, कै मोल इसमें आया, तो यहाँ पे कितना आया है, एक एक दो मोल, इसमें भी कितना आया, दो मोल, ठीक। तो जब दो चीज मिला रहे तो दोनों का काउंट करके जो है देखेंगे कि अकेले देखेंगे, बस यहाँ रही ना, ठीक। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है हमको यही ध्यान देना है कि रिएक्शन के संदर्भ में बात की जा रही है किसी गैस के संदर्भ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा परिभाषा, इसके हिसाब से हो जाएगा एनटीपी पर, सामान्य ताप और दाब पर गैसों का योग की मात्रा किसके मात्रा बराबर होता है, उत्पाद की मात्रा के बराबर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर जो है कल वाली परिभाषा हम लोग क्या लिखे थे, ये समीकरण वाले हिसाब में क्या लिखे थे बताओ, एनटीपी पर दो समान आयतन वाली जैसे, एनटीपी पर दो समान आयतन, समान आयतन का मतलब क्या है, दोनों की जो मात्रा या आयतन है, ठीक। तो एक मोल बराबर होता कितने के, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक मोल बराबर होता 22.4 लीटर की, कितने के, 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लीटर का मतलब क्या हो गया, आयतन हो गया, लीटर का मतलब आयतन हो गया, है ना, कोई दिक्कत। तो एनटीपी पर दो समान आयतन आगे वाली गैसे, हाँ आयतन वाली गैसे, गैसे
संयोग करके अभिकारकों के समान अभिकारक, ये पक्ष क्या कहलाएगा पूरा, ये पक्ष यहाँ तक का अधिकारक, अधिकारकों के समान आयतन प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, बात सुन जाइए। तो ये तो हो गया हमारा जो है एक चीज है, किसी भी बात को कहने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सब कोई बात वही बोलेगा कि अलग अलग बोलेगा, वही बोलेगा ठीक ना, अर्थ उसका वही होगा लेकिन कहने का तरीका, सबका बात करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक ही घर में किसी, मान लीजिए किसी मामले पे आप जो है उस घर के 2-3 सदस्यों से पूछेंगे तो बात वही बताएंगे, लेकिन सबका जो है आपको बताने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक। तो यही ध्यान देना है यहाँ पर क्या कहता है, अगर किताबी परिभाषा देखें हम, ये कहता है एनटीपी पर समान आयतन, समान आयतन वाले गैसों में कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, कणों की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अवोगाद्रो नंबर होता क्या है, तो 6.023 × 10³³ है ना, 10³³। तो कह रहा है मतलब चाहे आप एक मोल ले लेते हैं, एक मोल आप नाइट्रोजन ले लीजिए, एक मोल हाइड्रोजन ले लीजिए, एक मोल क्लोरीन ले लीजिए, एक मोल ऑक्सीजन, चाहे जो गैस आप ले लीजिए, लेकिन होना चाहिए कितना, एक मोल। उसमें आप कितना पाएंगे, 6.023 × 10³³ कण पाएंगे, ना तो उससे एक ठो कम होगा ना तो उससे एक ठो ज्यादा। ये था हमारा अवोगाद्रो का नियम, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला हेडिंग डालिएगा अवोगाद्रो के नियम के उपयोग, अच्छा दूसरा वाला परिभाषा जो उतार लीजिए थोड़ा सा, ये वाला ठीक, चीज वही है केवल कहने का तरीका अलग, अथवा करके उतारिएगा ओ आर, है ना, हाँ। हेडिंग डालिएगा अवोगाद्रो के नियम के अनुप्रयोग, अवोगाद्रो के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, तो उसमें हेडिंग डालिएगा नंबर एक, गैसीय तत्वों की परमाणुता का निर्धारण करने में, गैसीय तत्वों की परमाणुता का निर्धारण करने में, अब यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, तत्व का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में जो है कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ठीक है ना, कितने तत्व हैं, 118, जिसमें से कुछ क्या है, गैस हैं, कुछ क्या है, गैस हैं, और गैसों की क्वालिटी होती है इनके नीचे जो है ना लगा होता है टू, जैसे मान लीजिए यक्ष नाम की कोई गैस है, यक्ष नाम की कोई क्या है, गैस है,
उसके नीचे क्या लगा होता है, टू लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं ओ टू ऑक्सीजन गैस, एन टू नाइट्रोजन गैस, सी एल टू क्लोरीन गैस, है ना। यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये अकेले नहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा इसके साथ में क्या लगेगा, टू हीलियम गैस एच ई, ठीक ना। बस नहीं, तो ये सब क्या है, क्या दिखा रहा है, मतलब जो है, है? अरे टू एच ई लिखा जाता है ना, यहाँ लिखा जाता है जब बैलेंस करते हैं तब, ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ दो तत्व तो वाले हो जाते हैं, इसको चलिए मान लीजिए थोड़ा सा अपवाद हो रहा है, इसको हटा दीजिए। तो बाकी में हम क्या देख रहे हैं, टू लगा नहीं लगा है, लगा है। तो हम कह सकते हैं गैसों की पहचान क्या है, अधिकांशता उनके नीचे क्या लगा होता है, टू लगा होता है, अधिकांशता है उनके नीचे टू लगा होता है, ठीक। यही जो नीचे सबके टू लगा है, यही हमारा क्या होता है, परमाणुकता, क्या होता है, परमाणुकता, क्या कहलाएगा ये, परमाणुकता। अब परमाणुकता मतलब क्या होता है, ये बताता है कि उस गैस में कितने परमाणु है, कितने परमाणु है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी परमाणुकता, ठीक। तो अवोगाद्रो का जो नियम है पहला वाला, वो किसमें योगदान करता है, तो गैसीय तत्वों के परमाणुकता का निर्धारण करने में। बस सुने, कोई दिक्कत, ठीक ना, इतना बनाइए इसको। अच्छा, इन सबको क्या बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का एक अणु, नाइट्रोजन का एक अणु, क्लोरीन का एक अणु, है ना। उतार लीजिए इसको पूरा, जल्दी करो यार। मतलब हम कह सकते हैं कि परमाणुकता जो होता है, जो भी गैसीय अवस्था के तत्व तो हैं, उनके नीचे जो संख्या लिखी होती है, दो तीन आदि, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी परमाणुकता। इसकी परिभाषा लिखिएगा, यह नियम गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों, यह नियम गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के एक अणु में, तत्वों के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के एक अणु में परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आप देखेंगे O3 लिखा होता तो ऑक्सीजन का 3 परमाणु हो गया, O2 लिखा तो ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया, है ना। N2 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 2 परमाणु, Cl2 लिखा तो क्लोरीन का 2 परमाणु, है ना। तो उसके नीचे जितना नंबर लिखा है वही उसका क्या कहलाएगा, परमाणुकता, ठीक। और ये स्पेशली किसके लिए अप्लाई होता है, तो जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हीं के लिए, बाकी सबके लिए अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला हेडिंग डालिएगा, तत्वों के आणविक द्रव्यमान निकालने में, तो आणविक द्रव्यमान को हम अणुभार भी कह सकते हैं, आणविक द्रव्यमान को अनुभार भी कह सकते हैं। अब देखिए अनुभार जो कैसे निकालते हैं, तत्वों के
आणविक द्रव्यमान द्रव्यमान या अणुभार निकालने में, अणुभार निकालने में ठीक। अब ध्यान दीजिएगा अणुभार कैसे निकालते हैं, तो एक सूत्र होता है परमाणुकता गुणे परमाणु भार, परमाणुकता गुणे परमाणु भार ठीक है, परमाणुकता गुणे परमाणु भार। परमाणुकता क्या दिखाता है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या गुणे परमाणु भार। हर तत्व का परमाणु भार पाया जाता है, इसको हम द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना। तो गुणे परमाणु भार, तो परमाणु भार आपको क्या होता है पता होगा, परमाणु भार जो है तत्व के ऊपर लिखा होता है, नीचे तो ऊपर वाले भाग में है ना। आपको याद रखना है कि परमाणु भार, भार हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, खोपड़ी पे, नीचे ऊपर रखते हैं ना खोपड़ी पे, तो भार अगर हम ऊपर रखते हैं तो किसी भी तत्व के लिए वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हमको, मान लीजिए NaCl का नहीं Na2SO4 का निकालते हैं, Na2SO4 इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट ठीक। अब ध्यान दीजिएगा Na पे यहाँ क्या हो जाएगा, अब पहले हम क्या देखेंगे Na2 ठीक है ना, Na2 इसके बाद फिर क्या हो जाएगा यस, ठीक फिर O4 निकालने का तरीका है Na2 फिर यस फिर O4। अब यहाँ पे हमारे लिए जो है सबके लिए यही नियम लगेगा ठीक है ना, यहाँ पे जितने तत्व तो हैं सबके लिए यही नियम लगेगा, कोई दूसरा नियम नहीं लगेगा, बस हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे परमाणुकता, परमाणुकता मतलब क्या होता है, परमाणुओं की संख्या। अगर परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे तो सोडियम का कितना परमाणु है, दो, दो गुणे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो 23 होता है। सोडियम का लिखा होता है ये ऐसे लिखा होता है 11 और लगभग 23 है ना, 22 कुछ होता है उसको 23 मान लिया जाता है ठीक। प्लस सल्फर कितना है, यहाँ पे क्या सल्फर है, एक है, अकेले लिखा है ना, जब कोई नंबर ना लिखा उसके नीचे तो हम उसको कितना मानेंगे, एक। एक गुणे सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 है ना। ये देखिए सल्फर का हो गया, अब ऑक्सीजन कितना है, क्या परमाणु है इसका, चार, चार गुणे कितना करेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 है ठीक ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 23 × 46 प्लस 32 × 32 प्लस 16 × 64 टोटल अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, आप देखिए 46 है, 46 के बाद 32 है, 32 के बाद 64 है, जोड़ते हैं तो 6 × 2 = 8 = 4 = 12 एक आ गया, 4 × 3 = 7 = 6 = 13 = 13 = 14 ये क्या हो गया, 142 142 क्या आ जाएगा हमारा अणुभार, बस यही। तो ऐसे निकालते हैं हम किसी भी तत्व का क्या, किसी यौगिक का अणुभार निकालते हैं, बात समझ। सूत्र क्या है, परमाणुकता गुणे परमाणु भार, परमाणुकता माने परमाणुओं की संख्या, जैसे O2 में परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 2 या ठीक है ना, और O3 में परमाणुकता कितनी हो जाएगी, 3, बात समझ। तो कोई भी तत्व है उसके नीचे जितना संख्या लिखा है वही उसकी क्या हो जाती है, परमाणुकता, बात समझ, कोई दिक्कत ठीक। अब यहाँ पे जो है हमको याद रखना है कि परमाणुकता कैसे निकालते हैं, तो परमाणुकता में जो है
निकालने के लिए हमको ध्यान देना कि परमाणु भार ज्ञात होना चाहिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है। परमाणु भार ज्ञात रहेगा, इसके बाद देखेंगे उसका कितना परमाणुकता दिया, मतलब कई बार लिखा है, यानी संख्या कितना है, यमजिक संख्या कितना है, तो जितना होगा उतने से क्या कर देंगे, उसमें गुणा कर देंगे, इसके बाद जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा हमारा क्या, अणु भार। कोई दिक्कत? ठीक, तो इसको आप लोग जो है उतार लीजिए। अगला एग्जाम्पल बनाइएगा HNO3 का, नाइट्रिक अम्ल का, HNO3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+N+O3। हाइड्रोजन का परमाणुता यहाँ पे कितना है, एक। परमाणु भार कितना होता है, एक प्लस। नाइट्रोजन कितना है, एक। परमाणु भार कितना होता है, 14। ऑक्सीजन संख्या कितना है, परमाणु भार कितना होता है, 16। ठीक, बस सुनिए, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं ताकि मतलब जो है अलग अलग हो जाए, 1, 2, 14। ठीक है ना, बस सुनिए। तो यहाँ पे एक का एक से गुणा करेंगे कितना आएगा, एक ही आएगा। 14 का एक से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, और 16 3 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 48 10 58 4 62 1 63। तो इसका अणु भार कितना आ गया, 63। ठीक, एक और निकालते हैं, K2SO4 का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2+S+O4। पोटेशियम की परमाणुता कितनी है, 2। दो गुणे कितना हो जाएगा, 39 लगभग होता है, 39 40। ठीक ना, तो इसको मान लेते हैं 40। प्लस सल्फर का जो है कितना हो जाएगा, कितना, एक है, एक गुणे सल्फर का 32। प्लस कितना है, 4 है, 4 गुणे कितना हो जाएगा, 16। जोड़ देंगे 40 2 80। प्लस 32 से करना, प्लस 16 4 64। जोड़ दीजिए आप, 4 और 2 6, जीरो जोड़ने को यंत्र नहीं आएगा, 6 हो गया, 6 3 9 8 17 176। ये हो गया हमारा तत्वों का आणविक द्रव्यमान निकालने का तरीका। ठीक, तो अवगाद्रो का जो नियम है उसके दो नियम बनेंगे, दो अनुप्रयोग होंगे, एक तो जो है परमाणुकता और दूसरा अणु भार निकालने। तो परमाणुकता क्या होती है, किसी भी तत्व के गैसीय अवस्था के नीचे जितना भी लगा होता है 2 3, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका परमाणुकता बोलते हैं। और अणु भार कैसे निकालते हैं या आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र होता है परमाणुकता गुणे परमाणु भार, जो गुणा करके जो हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको उतार लीजिए।